सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। और आज का जो ये एपिसोड है ये बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी जैसे कि टाइटल और थंबनेल से तो आपको मालूम पड़ गया होगा, आज हम बात करेंगे गॉड ऑफ वॉर की, यानी कि युद्ध के देवता। और हमारे इस देवता का नाम है आर्टिलरी। और आज के एपिसोड से आपको ये जानने को मिलेगा कि आर्टिलरी होती क्या है, ये इवॉल्व कैसे हुई, ये जरूरी क्यों है और बाकी इसे गॉड ऑफ वॉर क्यों कहा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जब भी बात आती है कन्वेंशनल वॉरफेयर की, यानी कि पारंपरिक युद्ध जो कि हमने आज तक देखे हैं, तो इस तरह के युद्धों में जो आर्टिलरी होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसकी जो भूमिका रहती है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि आर्टिलरी को लेकर ये कहा जाता है कि ये कि आर्मी की केवल एक आर्म नहीं है बल्कि दुश्मन के ऊपर अपनी ताकत को दिखाने का एक जरिया है। और दुश्मन द्वारा किसी देश के खिलाफ किए जाने वाले किसी बड़े मिसएडवेंचर के खिलाफ अक्सर हर बार सबसे पहला रिस्पॉन्स आर्टिलरी से ही दिया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर आर्टिलरी की परिभाषा क्या है। तो आप कह सकते हैं कि आर्टिलरी एक ऐसा हैवी मिलिट्री वेपन है जिसे खास तौर पर म्यूनिशंस को उस रेंज तक लॉन्च करने के लिए बनाया गया है जहां तक इन्फेंट्री फायरआर्म्स की रेंज नहीं पहुंच पाती है। शुरुआत में जब आर्टिलरी को विकसित किया गया तो उस समय खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता था कि घेराबंदी के दौरान दुश्मन की जो डिफेंसिव वॉल्स हैं, जो उनकी किलेबंदी है, तो उसको तोड़ने की क्षमता इसमें रहे। और ऐसा अक्सर आपने पुराने टाइम की वॉर मूवीज में भी देखा होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो फिर बैटलफील्ड के इस्तेमाल के लिए कुछ ऐसी फील्ड आर्टिलरी कैनन्स को विकसित किया गया जिनकी मोबिलिटी भी काफी ज्यादा थी और वो वजन में भी पहले वाली आर्टिलरी के कंपैरिजन में काफी हल्की थी। और इस तरीके से जो आर्टिलरी है वो समय के साथ लगातार विकसित होती गई और इसका ये विकास अभी भी जारी है। और आर्टिलरी को लेकर नेपोलियन बोनापार्ट का एक बहुत फेमस कोट है जिसमें उनका ये कहना है कि ग्रेट बैटल्स आर वॉन विद आर्टिलरी। अगर आप पुराने युद्ध के इतिहास उठा के देखेंगे तो उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से उन युद्धों में आर्टिलरी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आर्टिलरी के इवोल्यूशन को थोड़ा सा और ब्रीफ में जानते हैं। तो आर्टिलरी के होने के जो शुरुआती सबूत मिले हैं तो वो मिले हैं लगभग 8th century BC के आसपास एंशियंट रोम से। और इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि आर्टिलरी एक बहुत ही प्राचीन हथियार है जो काफी लंबे समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। शुरुआत में कुछ ऐसी मशीन्स बनाई गई जो एक्चुअल में एक ऐसे कैटापुल्ट मैकेनिज्म पर काम करती थी जिनका इस्तेमाल होता था बड़े बड़े पत्थरों को लंबी दूरी तक फेंकने के लिए। और अगर इस तरह की मशीन्स के एग्जांपल देखना है तो बाहुबली मूवी जाकर देख लो। और बाकी इस तरह की मशीन्स के अलग अलग टाइप भी थे, यानी कि कुछ का इस्तेमाल होता था पत्थर को फेंकने के लिए, कुछ इस तरीके से बनाई गई थी कि उनसे आप बहुत सारे तीर एक साथ फेंक सकें जैसे कि बलिस्टा। और जो पत्थर फेंकने वाली मशीन थी उसे ट्रेब्यूशेट का नाम दिया गया था। और इस तरह के और भी कई सारे कैटापुल सिस्टम्स थे जो कि एक आर्टिलरी की तरह ही इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन फिर जब चाइना में गन पाउडर का इन्वेंशन हुआ तो फिर यहाँ से शुरुआत हुई एक नए दौर की और इसने नींव रखी एक मॉडर्न आर्टिलरी की। और ऐसा माना जाता है कि गन पाउडर का जो इन्वेंशन था वो 9th century के आसपास प्राचीन चीन में हुआ था और फिर चीन से ही ये धीरे धीरे यूरोप में आया और 13th century तक पूरे यूरोप को इस गन पाउडर के बारे में नॉलेज हो चुकी थी। और जो कैनन थी वो पहली गन पाउडर पावर्ड आर्टिलरी थी और फिर जिसके बाद मोर्टार्स आई। और फिर कैनन और मोर्टार्स दोनों ने ही समय के साथ इवॉल्व होना जारी रखा और फिर मिडिवल एजेस तक ये दोनों ही वेपन्स मिलिट्री कैंपेन्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। और क्या आप जानते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुगल एम्पायर का जो पहला फाउंडर था बाबर, तो उसका भी एक कोट है आर्टिलरी को लेकर ही जिसमें कहा गया कि कैनन्स आर द लॉक्स एंड की ऑफ अ किंगडम, यानी कि तोप किसी भी राज्य की ताले और चाबी की तरह है। हालांकि 16th century से पहले सेंट्रल एशिया में आर्टिलरी का इतना व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया था और वो भी तब जब सैकड़ों साल पहले मंगोलों को चीनी मोर्टार्स के बारे में पता लग चुका था। लेकिन फिर चालदेरान की 1514 की लड़ाई में सफविद साम्राज्य पर एक डिसाइसिव ऑटोमैन विक्ट्री के बाद जो बाबर था तो फिर उसने अपनी मिलिट्री में आर्टिलरी और ऑटोमैन आर्टिलरी टैक्टिक्स को शामिल करना शुरू किया। और बाबर की इसी आर्टिलरी ने मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फिर 1526 में जाकर पानीपत की पहली लड़ाई ने भारतीय युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर आर्टिलरी की रणनीति की शुरुआत देखी। और इस तरीके से मुगल्स की मिलिट्री में जो आर्टिलरी थी वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर रह गई और जिसे उन्होंने फील्ड डिप्लॉयमेंट और किले की सुरक्षा के लिए डिफेंसिव पर्पस के लिए भी तैनात किया था। लेकिन उस समय की जो आर्टिलरीज थी जिन्हें कैनन्स यानी कि तोप कहा जाता था तो वो वजन में बहुत ही भारी थी और इसी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना आसान नहीं होता था। और अकबर के समय तक जब टेक्नोलॉजी थोड़ी इंप्रूव हो चुकी थी तब भी इन तोपों का जो वजन था वो एक समस्या बना हुआ था। और यहाँ तक कि औरंगजेब के समय में भी जो मुगल्स की टेक्नोलॉजी थी वो हमारे मराठास के कंपैरिजन में काफी सुपीरियर थी। हालांकि वो बात अलग है कि मुगल्स की जो ट्रेडिशनल आर्टिलरी की टैक्टिक्स थी वे हमारे वीर मराठास के गुरिल्ला टैक्टिक के सामने ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रही थी। और सदियों के अपने शासन के दौरान मुगलों ने अपने समय के सबसे बड़ी आर्टिलरी का निर्माण भी किया था। और बाबर के द्वारा डिप्लॉय की गई जो कैनन्स थी जो आर्टिलरी थी
वो करीब 225 से 315 पाउंड्स तक के वजन वाली कैनन बॉल्स को फायर करती थी। लेकिन उस समय की आर्टिलरी का जो एक बड़ा साइज और भारी वजन था, तो वही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी था, क्योंकि एक तो इतने बड़े वेपन को इधर से उधर मूव करना बहुत मुश्किल था, और अगर बीच में कोई वाटर क्रॉसिंग है या इसी तरह की और कोई बाधा है तो ऐसे में इसको आगे ले जा पाना और फिर उसे डिप्लॉय करके फायर करना, तो इस सब में काफी समय लगता था और एक बहुत ही स्लो प्रोसेस हुआ करती थी। और करीब 6 से 12 बैल और 5 से 6 हाथी तक लगते थे इसको आगे मूव कराने के लिए। यहाँ तक कि मोहम्मद शाह के जो फोर्ट ओपनर नाम की आर्टिलरी थी तो वो साइज में इतना बड़ा था, तो उसको इधर उधर मूव कराने के लिए 4 हाथी और करीब 1000 बैल लगते थे। यानी कि जब तक कि वो आर्टिलरी डिप्लॉय होने के लिए तैयार होगी तब तक तो पूरा खेल ही खत्म हो जाता था। हालांकि वो बात अलग है कि तब भी इनको अच्छी खासी सफलताएं मिली हैं। और अगर अब बात करें मॉडर्न आर्टिलरी की, तो वो नेपोलियन बोनापार्ट था जिसने मॉडर्न आर्टिलरी वाले कॉन्सेप्ट की नींव रखी थी, और उसी के अंडर में आर्टिलरी आर्मी की एक सेपरेट आर्म बनी और जिसने बैटलफील्ड को डोमिनेट करने की कैपेबिलिटी को भी अचीव किया। और नेपोलियन की तरफ से कहा गया कि गॉड इज ऑन द साइड ऑफ हैवीएस्ट आर्टिलरी, यानी कि देवता भी उसी की तरफ है जिसके पास सबसे हैवीएस्ट आर्टिलरी है। और नेपोलियन बोनापार्ट खुद एक फॉर्मर आर्टिलरी ऑफिसर था और जिसने आर्टिलरी की टैक्टिक्स को परफेक्ट किया था। अगर आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा है तो आपको ये तो मालूम होगा ही कि वे फ्रांस के पहले सम्राट बने थे, जिसने एक मिलिट्री कमांडर के रूप में फ्रांस के लिए एक बड़ी से बड़ी जंग जीती और जिसने आधे से ज्यादा यूरोप को जीतकर फ्रांस को मिलिट्री, एजुकेशन और इकोनॉमी से मजबूत कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। और नेपोलियन बोनापार्ट का एक और फेमस कोट है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको अपने दुश्मन के साथ ज्यादा लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, वरना आप उसे अपना पूरा युद्ध कौशल सिखा देंगे। और आज इतने सालों बाद भी नेपोलियन बोनापार्ट कई सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, फिर चाहे वो डिसिप्लिन के तौर पर हो या फिर किसी एक लीडर के तौर पर। और इसलिए आज हम आपको एक ऐसी खास ऑडियो बुक रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे आप नेपोलियन बोनापार्ट के शानदार मिलिट्री करियर से लेकर उनके जीवन से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण बातों को जान सकते हैं। और एक खास ऑडियो बुक उपलब्ध है भारत के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म कुकू FM पर, और इस कुकू FM प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट नाम की इस ऑडियो बुक को कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। और इसके अलावा इस मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की ऐसी और भी कई सारी कमाल की ऑडियो बुक्स, बुक समरीज उपलब्ध हैं, जो आपको अलग अलग क्षेत्र से संबंधित कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देती हैं। और वैसे तो कुकू FM का एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज का होता है, लेकिन अगर आप हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा मात्र 199 रुपीज में। तो अगर आप इस यूनिक प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इनकी मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें मौजूद कमाल के प्रीमियम कंटेंट को मात्र 199 रुपीज में अनलॉक करके इसमें मौजूद जानकारी को हासिल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, ये जो खास ऑफर है केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। और इतना ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर कुकू FM का एनुअल सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको 12 महीने के सब्सक्रिप्शन प्राइस पर 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी कि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। बस ध्यान रहे, फ्रीडम सेल केवल 15 अगस्त तक ही वैलिड है। और जो मॉडर्न आर्टिलरी है तो वो डेवलप हुई थी मिड से लेट 19th सेंचुरी के आसपास, और तब से लेकर अभी तक आर्टिलरी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। और मिलिट्री की सर्विस में कई अलग अलग तरह की आर्टिलरीज होती हैं, जैसे कि फील्ड आर्टिलरी, एयर डिफेंस आर्टिलरी, कोस्टल आर्टिलरी और इसी तरीके से बाकी सब। और लैंड वॉरफेयर में ग्राउंड बेस्ड आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम अक्सर फील्ड आर्टिलरी कहते हैं। और जो फील्ड आर्टिलरी सिस्टम होता है तो उसे भी साइज, बोर का डायमीटर कितना है, वजन कितना है, मोबिलिटी किस तरीके से है, कहाँ पे हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, और इसलिए इस तरह से अलग अलग चीजों के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। और जिसमें से कुछ इस प्रकार है। पहला टाइप है इन्फेंट्री सपोर्ट गन्स, तो इसमें आते हैं हाई कैलिबर के डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स, जैसे कि 106 mm की रिकॉयलेस राइफल, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। इसके बाद दूसरा टाइप है माउंटेन गन्स, तो ये हल्के वजन वाली गन्स होती हैं जो कि मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों पर इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई होती है, जैसे कि भारत में मैन्युफैक्चर की गई 75x24 की हवेटर्स, ब्रिटिश की 3.5 इंच की हवेटर्स, तो ये सारे एग्जांपल्स है माउंटेन गन्स की। और इस तरह की गन्स को आसानी से डिसमेंटल किया जा सकता है और जिसको सोल्जर्स अपने साथ फिजिकली कैरी भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप आता है फील्ड गन्स, तो ये वो आर्टिलरीज होती हैं जो लॉन्ग रेंज तक फायर करने में सक्षम होती हैं और ये आमतौर पर 45 डिग्री के एलिवेशन एंगल तक फायर करती हैं, जैसे कि रशिया की 100 mm की गन, 130 mm की गन, ब्रिटेन की 25 पाउंडर्स गन्स, तो ये सारी फील्ड गन्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद चौथा टाइप है हवेटर्स, और ये वो आर्टिलरीज होती हैं जो लो और हाई दोनों ही एंगल्स पर फायर करने में सक्षम होती हैं और इसी वजह से हिल्स में, रिजेस के पीछे छिपे हुए टारगेट्स को भी एंगेज कर सकती है, यानी कि उन जगहों पर जहां पे फील्ड गन्स काम नहीं आती हैं। और बाकी आज के समय के जो अधिकतर मॉडर्न गन सिस्टम्स हैं वो इसी हवेटर्स वाली कैटेगरी की हैं, जैसे कि ATAGS, धनुष और ऐसी बाकी सब। और इस हवेटर में भी अलग अलग तरह के टाइप होते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड हवेटर, टोड हवेटर, माउंटेन हवेटर और ऐसे बाकी सब। इसके बाद पांचवा टाइप है मोटार्स, तो मोटार्स एक ऐसा आर्टिलरी वेपन हुआ जो कि केवल हाई एंगल पर ही फायर कर सकता है और ये किसी कन्वेंशनल आर्टिलरी गन के कंपैरिजन में सबसे अलग दिखता है।
बाकी ये एक हाई ट्रेजेक्टरी वेपन है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो फील्ड गन्स के कंपैरिजन में कम होती है। इसके बाद अगला टाइप है रॉकेट आर्टिलरी का। तो जैसे कि इनके नाम से मालूम पड़ रहा है, ये रॉकेट प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम्स होते हैं जिनमें एक बड़े साइज का वॉरहेड होता है और इन्हें खास तौर पर ग्राउंड पर मौजूद किसी स्पेसिफिक एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और 1999 के इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर के दौरान टाइगर हिल पर एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट फायरिंग रोल में भारत ने रशियन ओरिजिन के BM-21 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का ही इस्तेमाल किया था। और पिनाका MBRL, BMP-30 MBRL तो ये सारे इसी रॉकेट आर्टिलरी के ही एग्जाम्पल है। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है मिसाइल आर्टिलरी की। इसमें ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि जैसी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, तो ये सभी इसी कैटेगरीज में आती हैं। हालांकि मिसाइल्स पहले आर्टिलरी का हिस्सा नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाद में इन्हें भी आर्टिलरी की ही कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया। और भारत की मिसाइल आर्टिलरी सिस्टम में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, अग्नि मिसाइल सिस्टम, पृथ्वी मिसाइल सिस्टम, प्रहार मिसाइल सिस्टम, प्रलय मिसाइल सिस्टम और शौर्य मिसाइल जैसे सिस्टम शामिल हैं। अब सवाल ये आता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में भी क्या आर्टिलरी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी जितना पहले करती थी, क्योंकि आज का जो वॉरफेयर है वो पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो क्या ऐसी स्थिति में आर्टिलरी अभी भी उतनी इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, होता ही है कि जो बैटल्स हैं, जो युद्ध हैं, तो आमतौर पर उनका कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो होता है नहीं। यानी कि एक प्रोसेस हमने बना दी, आपको ऐसे युद्ध करना है, ऐसा किसी भी युद्ध में नहीं होता है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो फील्ड आर्टिलरी है तो उसे भी लगभग हर तरह की स्थिति का सामना करने के लिए कुछ खास तरह की स्पेशलिटीज के साथ डिजाइन किया गया है और उसने भी समय के साथ टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया है। और अभी भी बैटल्स की ऐसी कई सारी स्टेजेस हैं जिसमें फील्ड आर्टिलरी का जो फायर है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे कि प्री अरेंज फायर, यानी कि एक ऐसा आर्टिलरी एंगेजमेंट जिसे हमने एडवांस में प्लान किया है ताकि हम दुश्मन को एक डिजायर्ड लेवल पर न्यूट्रलाइज कर सकें, उसे डिस्ट्रॉय कर सकें। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी फायर, यानी कि ऑपरेशन सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए फ्लिटिंग अपॉर्चुनिटीज के आधार पर आर्टिलरी से फायर करना, और अक्सर इस तरह की एंगेजमेंट्स में बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में गन्स इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा तीसरा है ऑब्जर्व फायर, जब आर्टिलरी का जो ऑब्जर्वर है वो आर्टिलरी शेल के लैंड होने वाली जगह को ऑब्जर्व करके दुश्मन को एंगेज करता है। इसके अलावा हमारे ट्रूप्स को कवर देने के लिए कवरिंग फायर, डिफेंस के लिए डिफेंसिव फायर, किसी और टाइम में दुश्मन को हराश करने के लिए हराशिंग फायर, ताकि उसके अंदर हमेशा एक डर बना रहे और उसको समय ना मिले हमारे खिलाफ कोई मिस एडवेंचर प्लान करने के लिए। और इस तरह के और भी कई सारे सिचुएशंस हैं जिसमें आज के मॉडर्न वॉरफेयर में भी आर्टिलरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं कि 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है और इस वॉरफेयर का जो फ्यूचर रहेगा वो भी और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा। और जैसे कि शुरू से लेकर अभी तक आर्टिलरी भी समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मॉडर्न करती हुई आई है, तो आगे चलकर भी आर्टिलरी का हमें एक नया टेक्नोलॉजिकली एडवांस रूप देखने को मिलेगा। और जैसे कि आर्टिलरी ने पहले भी इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिस तरीके से इतिहास को एक नया आकार दिया है, तो ये अभी भी आने वाले कई सदियों तक कई सारे बैटल्स में अपनी मुख्य भूमिका निभाना जारी रखेगी। और आज के समय में भी आर्मी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और भविष्य में भी ये हिस्सा बना रहेगा। और बाकी अगर आपको ये जानना है कि आर्टिलरीज एक्चुअल में काम कैसे करती हैं, कैसे दुश्मन को इतनी दूर से ही टारगेट किया जाता है, तो उस पर ऑलरेडी 2 साल पहले हम वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो के माध्यम से इसके काम करने के तरीके को जान सकते हैं। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुकू FM प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं तो हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल सके। बस ध्यान रहे, जो ये ऑफर है केवल first 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।